एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म में अब दिखाया जाएगा राम मंदिर भूमि पूजन। एक्ट्रेस ने खुद किया इस बात का ऐलान। जी हाँ, राम मंदिर अयोध्या को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही 5 अगस्त के दिन को भारत के लिए ऐतिहासिक बना दिया है। इस मौके पर बॉलीवुड भी इस ऐतिहासिक दिन पर अपनी खुशी जाहिर करने से पीछे नहीं हट रहा। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की जोरदार मांग उठाने के बाद से चर्चा में रही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राम मंदिर को लेकर अपने विचार रखे हैं और अपनी अगली फिल्म के बारे में बात की है जो राम मंदिर पर ही बेस्ड है। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि हमें अब रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठने की और इस बात पर ध्यान लगाने की जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हमारी क्या कमियां हैं और उन्हें दूर करना चाहिए। मेरे लिए एक मंदिर सिर्फ ईंटों, खंभों या एक ढांचे तक सीमित नहीं है, ये उस चीज का चिन्ह है जिसे हमारी सभ्यता सर्वोपरि मानती है। राम एक भगवान नहीं है बल्कि पुरुषोत्तम है, एक सिद्ध पुरुष। राम मंदिर के 600 साल की यात्रा पर कंगना एक फिल्म बनाने जा रही है जिसका नाम अपराजिता अयोध्या है। उनकी फिल्म मणिकर्णिका के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद अपराजिता अयोध्या की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने बताया, ये मंदिर 600 साल का संघर्ष है, यहाँ तक कि जब बाबर ने हमला करके इसे ढहा दिया था। इसके बाद 72 युद्ध लड़े गए और पहले विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया था जब इसे हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया गया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और ये उन्हें बांटने की एक कोशिश थी। कंगना ने बताया कि उनकी फिल्म में कई मुस्लिम किरदार होंगे जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में जंग लड़ी, तो ये श्रद्धा, भक्ति और सबसे ऊपर देश में एकता की कहानी होगी। राम राज्य एक धर्म से परे है और अपराजिता अयोध्या इसी बारे में होगी। ये एक बहुत मुश्किल स्क्रीन प्ले है क्योंकि ये 600 साल का सफर तय करता है और राम मंदिर का भूमि पूजन इसका हिस्सा होगा। वेल, कंगना जब भी कोई फिल्म लेकर आती है तो वो सबसे अलग जरूर होती है और ये कंगना अपनी पिछली फिल्मों से साबित कर चुकी है। वैसे आप लोगों के क्या है रिएक्शन कंगना की फिल्म अपराजिता अयोध्या को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बॉलीपीप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।